हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं तो प्रमोशन रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए यह चैनल काफ़ी हेल्पफुल आपको साबित होगा। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में हुए जूनियर इंजीनियर 20% एलडीसी कोटा का जो एग्ज़ाम 13/8/2023 को कंडक्ट हुआ था, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, इस सेंट्रल रेलवे में पड़ता है डीडीयू डिवीज़न, जो पहले मुगल सराय डिवीज़न के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, इसमें टोटल 110 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें से 100 नंबर का आपको जवाब देना था। 10 नंबर दोस्तों आपको पता ही होगा कि राजभाषा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलडीसी में कंपलसरी। तो दोस्तों, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक प्रश्न के एक अंक हैं। दिए गए उत्तर में कटिंग, ओवरराइटिंग या किसी प्रकार का सुधार मान नहीं है, उक्त प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप भी एलडीसी का कोई भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए। दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, जब ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं है तो रूट सेफ और लॉक है तो पैनल पर रूट का क्या इंडिकेशन आएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पीला। प्रश्न संख्या 2, पैनल इंटरलॉकिंग में रिले के संचालन का क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, RR, UCR, ASR, ALSR और HR। प्रश्न संख्या 3, अप दिशा में सिग्नल के नामांकन का क्रम होता है किस टाइप का? तो यह हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विषम संख्या यानी 1, 3 और 5। प्रश्न संख्या 4, UCR का कौन सा कॉन्टैक्ट HR में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आगे का। प्रश्न संख्या 5, अप्रोच लॉक स्टिक रिले सर्किट में होता है, क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी चीज़ें। इंडिकेशन लॉकिंग भी होती है, बैक लॉकिंग भी होती है और अप्रोच लॉकिंग भी होती है। प्रश्न संख्या 6, आगे का सिग्नल बुझे नहीं उसके लिए RECR, HECR, DECR का कौन सा कॉन्टैक्ट लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आगे का। प्रश्न संख्या 7, सिग्नल कंट्रोल रिले में क्रॉस प्रोटेक्शन किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ASR का फ्रंट कॉन्टैक्ट और USR का बैक कॉन्टैक्ट, यानी कि दोनों में से ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8, HASSDAC में एक्सल के डिटेक्शन का तकनीकी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फेज मॉड्यूलेशन। प्रश्न संख्या 9, HASSDAC में क्या क्या ड्यूल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, HCC कार्ड्स और ट्रैक डिवाइस दोनों, ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10, सेल SSDAC में दो स्टेशनों के बीच कम्युनिकेशन के लिए कितने क्वेड की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 क्वेड। प्रश्न संख्या 11, ट्रांसमीटर और रिसीवर क्वाइल को किस तरह रेल में बांधते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, T × 1 × T × 2 बाहरी तरफ से और R × 1 एंड R × 2 अंदर की तरफ से। प्रश्न संख्या 12, सेल SSDAC में रिसेटिंग के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
48 वोल्ट डीसी। प्रश्न संख्या 13, एक स्वस्थ यूएफएसबीआई अधिकतम करंट लेता है कितना? तो यह करंट लेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.8 एम्पियर। प्रश्न संख्या 14, यूएफएसबीआई के मॉडर्न कार्ड में सीडी में लाल इंडक्शन का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैरियर डिटेक्ट। प्रश्न संख्या 15, यूएफएसबीआई में सैनिक स्टेशन पर कौन सा अंतिम रिले पिकअप होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डन। प्रश्न संख्या 16, यूएफएसबीआई के ब्लॉक पैनल में एसएनके का किस रंग का इंडक्शन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पीला। प्रश्न संख्या 17, यूएफएसबीआई एमयूएक्स में ओके इंडक्शन का रंग क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरा। प्रश्न संख्या 18, यूएफएसबीआई में किस परिस्थिति में AZTR रिले ड्रॉप होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्लॉक स्टेशन में ट्रेन के जाने के समय और एक्सेल काउंटर में विफलता के समय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा। प्रश्न संख्या 19, IPS में SMR का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए N+1। प्रश्न संख्या 20, IPS में इंटरनल सर्किट के लिए DC-DC कन्वर्टर का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए N+1। प्रश्न संख्या 21, IPS में मॉड्यूल के फेलियर का डट लॉगेर से किस प्रकार मॉनिटर किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट द्वारा। प्रश्न संख्या 22, कौन सी टर्मिनोलॉजी आईपीएस से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी कि SMPS भी है, ACDP भी है, DC-DP भी है, यानी कि सभी। प्रश्न संख्या 23, IPS में SMR मॉड्यूलेशन का क्या रेटिंग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 220 वोल्ट 10 एम्पियर। प्रश्न संख्या 24, अर्थ लीकेज डिटेक्टर द्वारा ऑनलाइन इंसुलेशन की जांच किस प्रकार की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सीधी। प्रश्न संख्या 25, अर्थ लीकेज डिटेक्टर के लिए कितने अर्थ चाहिए होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 अर्थ। प्रश्न संख्या 26, अर्थ लीकेज डिटेक्टर कितने वोल्टेज पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 230 वोल्ट AC और या 110 वोल्ट AC। प्रश्न संख्या 27, अर्थ लीकेज डिटेक्टर द्वारा बसबार से जुड़े सर्किट में इंसुलेशन रेसिस्टेंस की गणना किस टाइप से होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समानांतर, यानी पैरेलल में। प्रश्न संख्या 28, मल्टी ऑस्पेक्ट सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 180 मीटर। प्रश्न संख्या 29, डबल डिस्टेंस टेरिटरी में यदि होम सिग्नल येलो के साथ रूट में है तो ऐसी परिस्थिति में डिस्टेंस सिग्नल का ऑस्पेक्ट क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए YY। प्रश्न संख्या 30, यदि LC गेट का TBU 50,000 से ज़्यादा है तो वह किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्लास। प्रश्न संख्या 31, बंद अवस्था में LC गेट का लिफ्टिंग बैरियर क्षैतिज दिशा से कितना का कोण बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0 से। प्रश्न संख्या 32, काले और पीले रंग का ल्यूमिनेटिस पट्टी कहाँ लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, LC गेट के बूम पे और डिस्टेंस सिग्नल पोस्ट पर, दोनों जगह यह लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 33, मेन केबल के मेजरिंग का स्केड्यूल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 34, अन इंसुलेटेड रेल में
क्रॉस बॉन्डिंग कितने इंटरवल पर लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 100 मीटर पर। प्रश्न संख्या 35, आरई क्षेत्र में कितने ओम के ट्रैक रिले का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 ओम। प्रश्न संख्या 36, पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी यानी सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1220। प्रश्न संख्या 37, LXINPR रिले का उपयोग किस जगह पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकेशन में। प्रश्न संख्या 38, IRS मोटर पॉइंट का ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 से 5 सेकेंड। प्रश्न संख्या 39, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल के लिए ओवरलैप कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 400 मीटर। प्रश्न संख्या 40, ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम किससे एक्टिवेट होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर दोनों से। प्रश्न संख्या 41, इनमें से कौन विंटर प्रिकॉशन के ड्राइव की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैगरिंग। प्रश्न संख्या 42, QTA2 रिले कितने वोल्ट पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.4 वोल्टेज DC। प्रश्न संख्या 43, QSPA1 रिले का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी लोकेशन रूम और रिले रूम दोनों में। प्रश्न संख्या 44, 12 कोर के सिग्नलिंग केबल में कॉपर कंडक्टर का डाया कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.5 square mm। प्रश्न संख्या 45, 2 कोर के पावर केबल का कंडक्टर का डाया कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25 भी हो सकता है, 25 square mm और 10 mm दोनों होता है। प्रश्न संख्या 46, 16/0.2 mm डाया के फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्यू सीरीज रिले की वायरिंग में। प्रश्न संख्या 47, QTA2 ट्रैक रिले का प्रथम रिपीटर रिले कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, QSPA1। प्रश्न संख्या 48, ट्रैक सर्किट का न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 मीटर। प्रश्न संख्या 49, ट्रैक सर्किट की न्यूनतम TSR वैल्यू कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0.5 ओम। प्रश्न संख्या 50, ट्रैक रिले किस एंड पर लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंट्री। प्रश्न संख्या 51, क्लीन और डट्टी केबल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, EI। प्रश्न संख्या 52, WESTRCMK2 में माइक्रोप्रोसेसर D का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन और डायग्नोस्टिक के लिए। प्रश्न संख्या 53, वेस्ट्रैक MK2 में SMB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीरियल मॉड्यूल बस। प्रश्न संख्या 54, रोम 50 में कितने आउटपुट को कॉन्फिगर किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8। प्रश्न संख्या 55, इनमें से कौन EI की वाइटल इनपुट की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 56, क्लास ए प्रोटेक्शन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर्ज प्रोटेक्शन से। प्रश्न संख्या 57,
एक्सेल काउंटर और यूएफएसबीआई में अर्थिंग की वैल्यू कितने ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 58, रेड लैंप प्रोटेक्शन क्यों दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल को ब्लैकिंग होने से बचाने के लिए। प्रश्न संख्या 59, क्रैंक हैंडल की आयन अवस्था को किससे प्रोब किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CHLRSF। प्रश्न संख्या 60, किस सिग्नल का कोई ऑन ऑब्जेक्ट नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉलिंग ऑन सिग्नल का। प्रश्न संख्या 61, ND और RD किसे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट से। प्रश्न संख्या 62, SIP का क्या मतलब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान। प्रश्न संख्या 63, DG ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, HR पिकअप और DR पिकअप। प्रश्न संख्या 64, सिग्नल को रिपीट करने में कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और सिग्नलिंग प्रोबिंग रिले का, दोनों का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 65, CRU किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिग्नलिंग से। प्रश्न संख्या 66, सिग्नल ट्रांसफार्मर का पावर रेटिंग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका रेटिंग जो होता है दोस्तों वो हो जाता है, इसका रेटिंग दोस्तों होता है 40 KVA, 40 वोल्ट एम्पियर। प्रश्न संख्या 67, इसमें है इनमें से कौन लैच रिले है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, QLA। प्रश्न संख्या 68, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका कॉम्पोनेंट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिले। प्रश्न संख्या 69, लाइन रिले का वर्किंग वोल्टेज कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24 वोल्ट। प्रश्न संख्या 70, QBCA1 में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाइट कॉन्टैक्ट और हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट, दोनों होता है इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 71, QNQN1 रिले क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्विन न्यूट्रल। प्रश्न संख्या 72, K50 रिले क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीमेंस रिले। प्रश्न संख्या 73, न्यूनतम कितने लैंप जलने पर √ECR रिले पिकअप होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 लैंप्स। प्रश्न संख्या 74, IRS पॉइंट में मोटर का RPM कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1700 ± 15%। प्रश्न संख्या 75, ऑब्स्ट्रक्शन करंट नॉर्मल करंट का कितना गुना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1.5 से 2 गुना। प्रश्न संख्या 76, गोट टेस्ट कितने mm पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.6 mm। प्रश्न संख्या 77, नॉर्मल अवस्था में पॉइंट का कौन सा कॉन्टैक्ट बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 78, 5 mm के टेस्ट के दौरान क्या क्या स्थिति बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पॉइंट लॉक नहीं होता है, ये भी सही है, फ्रिक्शन क्लच स्लिप करता है, ये भी सही है, डिटेक्शन कॉन्टैक्ट नहीं बनाता, ये भी सही है, और डी इसका सही जवाब होगा सभी। प्रश्न संख्या 79, ELB के फेलियर की स्थिति में खोलने के लिए हैंड जनरेटर को किस दिशा में घुमाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लॉकवाइज। प्रश्न संख्या 80, किस दिशा में की को घुमाने पे से EKT लॉक होती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हैंड साइड यानी RHS। प्रश्न संख्या 81, रिसीविंग एंड में EKT के की आउट होने की स्थिति में ट्रांसमिटिंग एंड में फिंगर कॉन्टैक्ट का क्या स्थिति होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 82, उस रेल खंड को क्या कहते हैं जिसमें ग्लूट ज्वाइंट की वजह से ट्रैक्शन रिटर्न करंट का बहना बंद हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंसुलेटेड रेल इसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 83, QTA2 रिले का पिकअप वैल्यू से रिले इंड में अधिकतम एक्सटिपेशन कितना प्रतिशत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 300%। प्रश्न संख्या 84, ACZR रिले का उपयोग कहां पर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी IV सिग्नल में। प्रश्न संख्या 85, मक्स का उपयोग रिपीटर के लिए कहां पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी IV सिग्नल में। प्रश्न संख्या 86, किसके नंबर के बाद UCR लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिग्नल के नंबर के बाद। प्रश्न संख्या 87, ALSR रिले की नॉर्मल स्थिति क्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इनड्राइजर। प्रश्न संख्या 88, डबल कटिंग और क्रॉस प्रोटेक्शन किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंटरनल सर्किट से। प्रश्न संख्या 89, किस प्रकार का सर्ज प्रोटेक्शन IPS में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी यानी कि क्लास ए और क्लास बी। प्रश्न संख्या 90, डाटा लॉगर द्वारा किस इक्विपमेंट का 1 यूनिट का फेलियर मॉनिटर किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक्सेल काउंटर। प्रश्न संख्या 91, एक्सेल काउंटर के TXRX टेबल में ज्वाइंट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नॉट अलाउड। प्रश्न संख्या 92, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्विच मोड पावर सप्लाई। प्रश्न संख्या 93, क्यू सीरीज रिले में अधिकतम कितने इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16। प्रश्न संख्या 94, इमरजेंसी रूट रिलीज का समय कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 120 सेकेंड यानी 2 मिनट। प्रश्न संख्या 95, गुड्स बर्निंग बोर्ड प्रथम स्टॉप सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1.4 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 96, स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉकिंग में कितना स्पीड परमिट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 75 किलोमीटर से अधिक। प्रश्न संख्या 97, किस प्रकार के एक लाइन कैरियर से एक ही ट्रेन जा सकती है की सुविधा प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक रिलीज सर्किट द्वारा। प्रश्न संख्या 98, मोटर पॉइंट में किस प्रकार तरह की लॉकिंग होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रोटरी। प्रश्न संख्या 99, क्यू सीरीज रिले में इंटरचेंजेबल कॉन्टैक्ट कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी B5 B6। प्रश्न संख्या 100, QNA1 रिले का प्रयोग कहाँ किया होता है प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल सर्किट में ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपको पता ही होगा दोस्तों कि 10 नंबर LDC में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 10 नंबर राजभाषा का अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। अगर आपकी राजभाषा पर पकड़ अच्छी है तो आप LDC कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए देरी नहीं करते हुए राजभाषा के प्रश्न को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 101 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गौ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गौ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 103, महंगाई भत्ता वर्ष में कितनी बार संशोधित किया जाता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दो बार। प्रश्न संख्या 104, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 105, यदि पत्नी और पति और पत्नी दोनों सेवा में हैं तो बालक शिक्षा भत्ता मिलेगा किसे? तो किसी एक को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा दोस्तों तेलुगु है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 107, सीटीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। प्रश्न संख्या 108, जिन कर्मचारियों का मुख्यालय से सघन या छोटी दूरियों की यात्रा करनी पड़ती है और वे दैनिक भत्ता लेने के हकदार नहीं हैं तो उन्हें कौन सा भत्ता सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सवारी भत्ता। प्रश्न संख्या 109, ग्रेड पे 4200 के लिए 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 35400। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य कॉक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। तो दोस्तों ये थे 13/8/2023 को जूनियर इंजीनियर एलडीसी कोटा में जो एग्ज़ाम हुआ था दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न में, जो पहले मुगल सराय डिवीज़न के नाम से भी जाना जाता था, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ये पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।